और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी की और एक और सूची आ गई है। 10वीं लिस्ट में बीएसपी ने 23 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। राजेंद्र कुमार वर्मा को डॉक्टर अंबेडकर नगर से टिकट मिला है, तो वहीं जगदीश चौहान को तरना से टिकट मिला है, सुनीता को मंदसौर से टिकट दिया गया है, नरेंद्र मालवीय को मल्हारगढ़ से, अनिल बड़ोले को राजपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ साथ गोपाल परिहार को आलोट से टिकट दिया है, कृष्णचंद्र नरेला को नीमच से टिकट दिया गया है। तो बीएसपी ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। नीलम, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नीलम, 10वीं लिस्ट बीएसपी ने जारी किया है और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, 23 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए बीएसपी ने जो है अपनी 10वीं सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है, जिसमें कि 23 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम में है। आज भी सुबह जो है 9वीं सूची जारी हुई थी, जिसमें 3 जो है प्रत्याशियों के नाम थे। अब टोटल अगर हम बात करें तो बीएसपी जो है अब तक करीब देखा जाए तो 148 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है, क्योंकि बसपा जो है इस बार मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन से लड़ रही है और करीब 178 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, जिसमें से अब तक जो है 148 नामों की घोषणा इस 10वीं सूची के साथ ही हो गई है। तो अगर हम बात करें खास तौर पर देखा जाए तो पोहरी, मंडला, रीवा, इसके साथ ही छिंदवाड़ा की 64 सीट, टीकमगढ़ की जतारा, गुना की 3 विधानसभा सीटें, चाचौड़ा, राघोगढ़ और बम्होरी, यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। इसमें मंडला देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जो आरक्षित है, यहाँ पर जो है इंदर सिंह उइके को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह जतारा जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित है, यहाँ पर धर्मेंद्र अहिरवार को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं भगवानपुरा खरगोन की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से राकेश मंडलोई को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि कुछ अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित सीटों का नाम घोषित हुआ है तो कुछ अनुसूचित जाति वर्ग पे। और बीएसपी जो है इस बार मध्य प्रदेश में काफी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है। हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बसपा भी ऐसे प्रत्याशियों को उतार रही है ताकि जो है दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को एक कड़ी टक्कर जो है बसपा के प्रत्याशी दे सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में खींच सके। जी ठीक है, अभी कितने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी है, कितने तक प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है नीलम? और आपसे जानना चाहेंगे कि बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस विजन को लेकर वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं, मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात की जा रही है, विजन क्या है, मुद्दे क्या है जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी? क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो दो प्रमुख दल है मध्य प्रदेश में, जिन्होंने अब तक सत्ता अपनाई है या जो सत्ता में आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में जो है बसपा करीब 178 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसमें से अब तक 10वीं सूची के साथ ही 148 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है, 30 सीटों पर अभी नाम की घोषणा होना बाकी है। अगर हम रणनीति की बात करें तो जैसा कि बसपा का पारंपरिक वोट बैंक होता है, दलित वर्ग को साधकर चलने की कोशिश बसपा की हमेशा रहती है, ऐसे में मध्य प्रदेश में भी जो है इन्हीं वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की जो है बसपा की रणनीति रहेगी। और साथ ही देखिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो आदिवासियों के मुद्दों पर काम करती है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन भी इन्हीं मुद्दों पर किया है कि दलित आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का जो मुख्य मुद्दा है उसे जो है चुनाव में मुद्दा बनाया जाएगा। उन्हीं मुद्दों को लेकर के दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सीटों पर जाएंगे और प्रचार प्रसार करेगी। तो इन 3 से 4 ऐसे मुद्दे हैं, इसके अलावा भी दलित और आदिवासी वर्ग के युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जो है बसपा अपने चुनाव प्रचार में प्रमुखता से उतारेगी और इसी रणनीति के साथ जो है वो अपने प्रत्याशियों को भी उन सीटों पर उतार रही है जो कि देखा जाए तो आदिवासी बहुल है या फिर अनुसूचित जाति बहुल है। जी बहुत शुक्रिया आपका नीलम, तो हम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो बसपा बीएसपी ने अपनी जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी की है, जिसमें 23 प्रत्याशियों के नामों का